Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new book, Computer Science Success. तो आज मैं आपके साथ एक न्यू बुक शेयर करने जा रही हूँ जो कि कंप्यूटर साइंस की है, क्लास फोर्थ की ये बुक है एंड इसमें हम पढ़ेंगे इस बुक को, कंप्यूटर के बारे में कई सारे टॉपिक्स जानेंगे. इनसाइड द बुक में क्या क्या है? एक्टिविटी जोन, पजल, लैब सेशन, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट वर्क, साइबर ओलंपियाड, पेपर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस असाइनमेंट्स एंड क्विजेस, ये सब है इस बुक में. तो गोयल ब्रदर्स प्रकाशन की बुक है. तो स्टार्ट करते हैं. ओपन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुक. सो ये फ्रंट पेज है कंप्यूटर की बुक का. नाउ कम टू द कंटेंट पेज. कंटेंट पेज की तरफ आते हैं. ये प्रीफेस गिवन है. सो दिस इज योर कंटेंट एंड हियर आर 10 लेसन्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के इसमें 10 लेसन्स है, 10 टॉपिक्स है जिसको हम पढ़ेंगे एंड दो मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं. सो योर फर्स्ट लेसन इज कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस, इनपुट प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज, ये सब हम पढ़ेंगे. सेकेंड लेसन है मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर. थर्ड है इंट्रोडक्शन टू MSW लोगो. फोर्थ है विंडो 10 कंट्रोल पैनल. फिफ्थ है एडवांस फीचर्स ऑफ MS Word 2016. देन आफ्टर डेट मॉडल टेस्ट पेपर है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो आपके होते हैं उसमें ये लेसन आएंगे. नेक्स्ट है सिक्स इंट्रोडक्शन टू MS PowerPoint 2016, विंडो ओवर द ईयर, इंटरनेट, मोर ऑन स्क्रैच, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. देन मॉडल टेस्ट पेपर टू है. लास्ट में कुछ प्रोजेक्ट वर्क, साइबर ओलंपियाड एंड प्रैक्टिस असाइनमेंट एंड क्विजेस गिवन है. सो आज हम ये बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर की. तो स्टार्ट करते हैं लेसन वन से जिसका नेम है कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस. कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस पढ़ेंगे जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज, ये सब. तो इस लेसन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लर्न करने का? तो यहाँ पे आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, आप चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या क्या पता होगा. यूज द डिफरेंट इनपुट डिवाइस, नो अबाउट द CPU एंड इट्स पार्ट्स, know about the different output devices, identify and list the storage devices. ये चार मतलब different input devices आपको पता होंगे उनका क्या use होता है. CPU के बारे में पता होगा, उसके parts के बारे में पता होगा, different output devices के बारे में आपको पता होगा and identify करेंगे, list करेंगे storage devices को. As you have studied a computer, follow the basic rule of input, process, output. It does the work by using some devices. These are input devices, processing devices and output devices. So let us study about these devices in detail. जब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर में बेसिक रूल्स, तो पहले इनपुट होता है, देन प्रोसेस होता है, देन आउटपुट निकल के आता है. तो इस तरह से वो कंप्यूटर वर्क करता है. तो इनपुट डिवाइसेज, प्रोसेसिंग डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइसेज, ये तीन डिवाइसेज है. तो इनके बारे में हम डिटेल में इस लेसन में पढ़ेंगे. पहला है इनपुट डिवाइसेज. The devices that are used to enter data and instructions into a computer are called the input devices. वो devices जिनका हम use करते हैं data enter करने के लिए या instructions enter करने के लिए computer के अंदर, उन्हें हम input devices कहते हैं. Some of the common input devices are as follows. कुछ common input devices है, नीचे given है. जैसे कि first है keyboard. Keyboard एक input device है क्योंकि इसमें हम कुछ भी type करेंगे तो वो हम हमारी मॉनिटर में टाइप हो जाएगा स्क्रीन पर. कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस. ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है. इट हैज नंबर कीज, स्पेशल करेक्टर्स कीज, अल्फाबेट कीज, फंक्शन कीज एक्सेट्रा. इसके अंदर देखो, ये देखो अल्फाबेट कीज है, नंबर कीज है, कुछ स्पेशल करेक्टर्स, प्लस माइनस, एरोज, हैश टैग्स, एट द रेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्री है ना, बहुत तरह की होती है. एज यू प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड यू कैन सी दैट पर्टिकुलर करेक्टर अपीयर्स ऑन मॉनिटर स्क्रीन. जिस भी की को आप प्रेस करते हैं उसका वो लेटर आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, शो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्रेस एस, सो वो जो एस जैसी मैं ये बटन प्रेस करूंगी तो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे मॉनिटर पर एस लिखा आ जाएगा. नाउ टर्न योर पेज. Your next input device is mouse. Mouse is a pointing device used to select objects or text and to draw
पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर. माउस एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस का जिसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके या टेक्स्ट को सिलेक्ट करते या ड्रॉ करते हैं पिक्चर्स कंप्यूटर में. माउस इज मूव्ड ओवर अ फ्लैट सरफेस यूजुअली अ माउस पैड. माउस एक तरह का मूव करता है फ्लैट सरफेस पे, एक तरह का माउस पैड होता है. व्हाइल यू वर्क ऑन द कंप्यूटर द कर्सर ऑन द स्क्रीन फॉलो द मूवमेंट ऑफ द माउस. जब हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो जो कर्सर दिखता है ना स्क्रीन पे वो माउस को फॉलो करता है. जैसे जैसे हम माउस को जिस पोजीशन में हिलाएंगे कर्सर भी उस पोजीशन में जाएगा. इट कैन बी क्लिक या डबल क्लिक टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. हम इसे क्लिक करके या डबल क्लिक करके कई सारी एक्टिविटीज कई सारे वर्क डन कर सकते हैं. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज जॉयस्टिक. जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस. ये भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है. इट इज मेनली यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. इसका मेन यूज हम करते हैं कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए. द जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ स्टिक दैट कैन बी रोटेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. जॉयस्टिक एक ऐसे स्टिक है जिस पोजिशन में हम रोटेट करेंगे डायरेक्शन देंगे उस मूवमेंट में वो कंप्यूटर स्क्रीन मूव करेगी. ये दिख रही है स्टिक से इस हैंडल को आप जिस जिधर भी हिलाएंगे उधर वो स्क्रीन में हिलेगा. नाउ योर फोर्थ इनपुट डिवाइस इज ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल लुक्स लाइक एन अपसाइड डाउन माउस. ये एक तरह का माउस की तरह दिखता है. द ट्रैक बॉल रिमेन्स स्टेशनरी. इट हैज अ बॉल दैट इज रोटेटेड टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन. ये जो बॉल है इसको हम मूव करते हैं. जैसे हम इसे मूव करते हैं तो कर्सर हमारा मूव होता है. द बॉल कैन बी रोटेटेड बाय हैंड इन एनी डायरेक्शन. हम इसे हाथ से भी किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं. तो आज मैंने आपको चार इनपुट डिवाइसेस बताए हैं. नाउ अच्छी वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ बिकॉज आगे के और भी इनपुट डिवाइसेस जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बट नॉट इन दिस वीडियो. वी विल डिस्कस दैट इनपुट डिवाइसेज इन नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी. आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. एंड उससे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता ही है क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूं अपने चैनल पे वो आपको मिले एंड आपकी हेल्प हो सके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.